साथियों, आंखें हमारी सबसे अनमोल धरोहर, इनमें यदि कोई कमी आ जाए, यानी व्यक्ति के आंखों में भेंगापन आ जाए, तो उसका एक तो कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, दूसरा उसको अब यही चिंता लगी रहेगी कि पता नहीं अब मेरी आंखें फिर से नॉर्मल होंगी कि नहीं होंगी। तो साथियों, अब आपको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्यूप्रेशर थेरेपी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जो अंदरूनी और बाहरी, यानी कि दो प्रकार के भेंगापन होते हैं, स्क्विंट दो प्रकार के, कि इंटरनल और एक्सटर्नल। समझेंगे विस्तार से सारी बातों को कि किस प्रकार से आप घर पर रहकर ही सरल से तरीके से, यानी एक्यूप्रेशर पॉइंट से, आप अंदरूनी और बाहरी स्क्विंट से छुटकारा पा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर डॉक्टर ऋचा वार्ष्णेय, संभव नेचर केयर हॉस्पिटल लखनऊ से स्वागत करती हूं आप सभी का घर बैठे चिकित्सा कार्यक्रम में। साथियों, जो ये भेंगापन है, स्क्विंट है, ये भी दो प्रकार का होता है, एक्सटर्नल स्क्विंट और इंटरनल स्क्विंट। समझते हैं दोनों में क्या चीज़ है। इंटरनल स्क्विंट में होता क्या है कि जो आँख की पुतली है ना, वो अंदर की तरफ ही रुकी रहती है, बाहर की तरफ नहीं आ पाती, इसे ही कहते हैं इंटरनल स्क्विंट। और एक्सटर्नल स्क्विंट में क्या होगा, आंख की पुतली बाहर की तरफ ही रुकी रहती है, बाहर की तरफ, और वो अंदर की तरफ नहीं आते। जैसे हम तो हर तरफ आंख देख पाते हैं, है ना, लेकिन जिनको भी स्क्विंट है, एक्सटर्नल या इंटरनल, तो एक्सटर्नल वाले की पुतली बाहर की तरफ फिक्स रहेगी, अंदर नहीं आ पाएगी, वहीं इंटरनल वाले की अंदर की तरफ ही फिक्स है, बाहर नहीं आ पाएगी, इसे ही कहते हैं स्क्विंट का होना, भेंगापन। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट। साथियों, एक वीडियो में मैंने पहले भी जिक्र किया था आई ऑर्बिट मेरिडियन का, क्योंकि हमारे आंखों के चारों तरफ एक मेरिडियन है। डॉक्टर ऑरवॉल, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, उन्होंने इसकी खोज की थी आई ऑर्बिट मेरिडियन की। आई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम साथियों, मायोपिया हो, आई फ्लटर्स आते हो, कैटरेक्ट हो, ग्लूकोमा हो, ऑप्टिक नर्व एट्रोफी हो, ए टू जेड कोई भी प्रॉब्लम, वैसे भी सारी वीडियोस बन चुकी हैं इस टॉपिक पे। यदि कुछ भी आपको तकलीफ है स्क्विंट के अलावा भी, तो देखिए नीचे एक वेबसाइट के लिंक है, sambhavcure.com। जब आप ओपन करेंगे इस लिंक को, वीडियोस में जाएंगे, तो ये सारी की सारी वीडियोस आपको पहले से मिलेंगी। जो भी पॉइंट मैंने बताया, वो पॉइंट आप लगा सकते हैं। और बहुत डिटेल में मैंने बताया कि आप किस प्रकार से आई ऑर्बिट मेरिडियन, जो चारों तरफ है आँख के, किस प्रकार से आप प्रेशर देंगे, तो विस्तार से आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं बता रही हूँ पॉइंट के बारे में, जो स्पेसिफिक पॉइंट है इंटरनल स्क्विंट का और एक्सटर्नल स्क्विंट का। अब पहले समझते हैं वो दो पॉइंट्स कौन कौन से हैं। पहले बात करते हैं इंटरनल स्क्विंट की। ये पॉइंट जहाँ पर हमारी आईब्रो शुरू हो रही है, जैसे हमारी आईब्रो शुरू हुई है ना, यहाँ पर इस जगह पे जो पॉइंट है स्टार्टिंग में, ये है यूरिनरी ब्लडर टू पॉइंट। जिनको TCM आता होगा, जो हमारे AD सुजोग के स्टूडेंट्स हैं, या आप जिसको भी TCM आता होगा, वो जानते होंगे कि यहाँ पर जो ये पॉइंट है वो है यूरिनरी ब्लैडर 2 पॉइंट, UB2 के जस्ट पीछे, है ना, बिल्कुल पीछे की तरफ ही थोड़ा सा ये पॉइंट है। जैसे यहाँ पर है UB2, और UB2 के जस्ट पीछे की तरफ इधर इस जगह पे आएंगे, ये पॉइंट है आई मेरिडियन 2 पॉइंट, जो बताया था ना आई ऑर्बिट मेरिडियन, इसका ये सेकंड नंबर का पॉइंट है। पॉइंट बाइलेटरल है इधर भी, और बिल्कुल ऐसे ही इधर भी, जैसे यहाँ पे आईब्रो शुरू हुई, इसके जस्ट इस तरफ थोड़ा दूर पे आईब्रो के ऊपर ये पॉइंट है, ये पॉइंट है I2, ये है इंटरनल स्क्विंट का। इसके थोड़ा और आगे, जैसे UB2 से थोड़ा आगे बढ़े I2 पे, I2 से थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ेंगे आईब्रो पे ही, तो यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो आएगा I3, आई ऑर्बिट 3, ये पॉइंट है एक्सटर्नल स्क्विंट का। तो आपको देख लीजिए, इंटरनल है या एक्सटर्नल, उस हिसाब से आप पॉइंट को चूज कर सकते हैं कि आई मेरिडियन का सेकंड नंबर का पॉइंट इंटरनल स्क्विंट का, और आई ऑर्बिट का जो थर्ड नंबर का पॉइंट है वो है एक्सटर्नल स्क्विंट का। इस प्रकार से जो भी आपको
दिक्कत है उस जगह पे, स्पेसिफिक उसी पॉइंट पर आप प्रेशर देंगे। अब धीरे 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 उस पॉइंट को स्टिमुलेट करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको स्टिमुलेट करना है ना, आपको प्रेशर देना है। और आप इस तरह से थंब से खुद भी जब दे रहे हैं तो ऊपर की तरफ हमेशा प्रेशर जो है वो अंदर की तरफ नहीं आएगा, आँख के अंदर की तरफ नहीं उठाएंगे, है ना। उठा के अब डीप थोड़ा सा प्रेशर देंगे, या फिंगर से भी कर रहे हैं तो इस तरीके से उठाते हुए ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ आप प्रेशर दीजिएगा, स्टिमुलेट करिएगा। धीरे 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 आप डीप प्रेशर स्टिमुलेट, सर्कुलर प्रेशर और डीप प्रेशर, इस तरीके से आपका आएगा। आपको खुद भी पेन आएगा, तकलीफ है ना, तो आपको पेन बॉल भी मिलेगी। पेन बॉल मतलब जैसे ऑल पिन होती है ना, ऑल पिन का हेड होता है, बिल्कुल ऐसे आपको जब आप डीप ढूंढते चले जाएंगे तो आपको लगेगा कुछ है। पेन बॉल हम उसको बोलते हैं कि आपको खुद ही ढूंढेंगे, खुद समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। आप खुद ढूंढिएगा, कुछ चट 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 कट कट कुछ करेगा, है ना। और इसी को आपको डिसॉल्व करना है, और आप खुद भी डायग्नोज कर लेंगे। जिस समय आपको पेन बॉल मिली और वो बॉल डिसॉल्व आपने कर ली, आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी, है ना। तो यही डायग्नोसिस है, यही प्रोग्नोसिस है। तो इस प्रकार से आप करेंगे और आपका लगता है, दिन में कई बार कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, अब हर आधे घंटे में कर लीजिए, एक घंटे में कर लीजिए, है ना, एक मिनट दो मिनट करना है। ये प्रेशर ज़रूर दीजिए, बहुत बेनिफिट आपको होगा इससे। और आपको लगता है कि और जल्दी आपको ठीक होना है तो आप चाहें तो मैग्नेट्स भी लगा सकते हैं। इसके लिए जो हम यूज़ करेंगे मैग्नेट में, वो पेपर टेप लेंगे और इस तरीका का ये मैग्नेट ले लेंगे, क्लस्टर मैग्नेट है साथियों। पेपर टेप में आप इस तरीके से क्लस्टर मैग्नेट को लगाएंगे, है ना। और रात में सोते समय आप जिस भी आपका टू है, ये थ्री नंबर का, आप सीधे भी और तिरछे भी कैसे भी करके आप फिक्स करके अपना सो सकते हैं। एक आँख में हो तो जिस आँख में है तो उसी आँख में आप कर लीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और देखिएगा धीरे 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 आपका जो स्क्विंट था इंटरनली या एक्सटर्नल वाला, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो साथियों, जनहित में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि आपकी वजह से बहुत लोगों की हेल्प हो सके। आप भी चाहते हैं कि आपके टॉपिक पर भी वीडियो मैं बनाऊँ, तो रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार पहले से देख ही लीजिएगा कि हो सकता है कि पहले से ही बनी हो आपके टॉपिक पर वीडियो। और यदि नहीं बनी है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं आपके टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगी। आप भी ग्रसित हैं किसी परेशानी से और उपचार चाहते हैं एक्यूप्रेशर थेरेपी से, तो आप बुक एन अपॉइंटमेंट का ऑप्शन है वेबसाइट पे, ऑडियो या वीडियो आप चाहें तो वहाँ से अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, डायरेक्टली आपकी मेरे से बात हो जाएगी। आज के लिए साथियों इतना ही, मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और नई बात के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।